हेलो, नमस्कार। देयर आर सेवन एट क्वेश्चंस विच आई हैव रिसीव्ड एंड आई विल बी टेकिंग दोज वन बाई वन। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ फ्यू मेंबर्स टू ज्वाइन एंड आई सी पीपल आर कमिंग अप। सो मैं तब तक रीड आउट कर देता हूँ क्वेश्चंस को एंड वी विल डू दैट अगेन एज वेल। सभी को नमस्कार। सो पहला क्वेश्चन है जो रवीश भाई का है और उस क्वेश्चन को मैं जहां तक समझ पाया इसके तीन कंपोनेंट हैं इस क्वेश्चन के। एक तो यह है कि अनुभव संपन्नता के बाद ही क्या मानव पद है ना? और अनुभव का मतलब तो है दृष्टा पद, अर्थात जो सब कुछ को जान गया है। और उसी में वो सवाल कर रहे हैं कि यदि ऐसा है तो ये तो बहुत मुश्किल है और लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो कोई तप साधना तपस्या की नहीं और ये तो शिक्षा विधि से आया है, सिद्धि और तप तो हुआ नहीं। तो एक तो ये सवाल लेंगे। दूसरा सवाल आया है कि कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता को लेकर के, दूसरा इस पर बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल एक आया है जो वीरता वर्सेस प्रतिहिंसा को लेकर के, और उसी में जुड़ता हुआ सवाल है कि प्रतिहिंसा क्या अहिंसा है और यदि कोई दूसरा हिंसा करता है तो ऐसे में मैं क्या करूं। फिर एक सवाल है कि व्हाट आर नेचुरल लॉज, जिंदगी को जिया कैसे जाए, ऐसे कौन से नियम हम समझ जाएं जिससे जिंदगी को जीना आसान हो जाए, खुशहाली पूर्वक जी सकें। फिर सुरेश भैया ने पूछा है पात्रता, योग्यता और क्षमता, एक तो इनमें क्या अंतर है और इसका विकास कैसे किया जाए। फिर अनुभव संपन्नता में समानता है तो व्यक्त होते समय में जो पद वाला सवाल है कि क्या मानव पद, देव मानव पद और दिव्य मानव पद सभी अनुभव में यदि समान हैं तो फिर एक क्रम से कैसे व्यक्त होता है। फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या गठनपूर्ण परमाणु का ओरिजिन को लेकर के है, आता है यदि 4-5 महीने में जो बच्चा जब गर्भ में आता है तो गठनपन परमाणु का डिजाइन क्या है, क्या अभी भी जीवन बन रहे हैं। और पद चक्र जो तीन चक्र हैं उनमें आवर्तनशीलता का डिजाइन क्या है। तो इस तरह से 7-8 सवाल हैं जिनको अपन चर्चा करेंगे। एक तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं ये कह दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, है ना, जो मेरी समझ बनी है जो कि अभी अधूरी है ना, इसको पूरा होना शेष है। तो बहुत सारे मेरे अपने दर्शन के अध्ययन के क्रम में और मेरा बहुत सारे सवालों पर जो अनुमान बनता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, ये मैंने प्रश्न का जो भी उत्तर दिया वो सही या गलत है इसको जांचने वाले आप हैं जिसका ये प्रश्न है या दूसरे लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूटन का नियम इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो न्यूटन ने कहा, वो इसलिए सही है कि जो भी उसको आज जांचता है उस नियम को वैसा ही पाता है। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर, यदि सारे प्रश्नों के उत्तर का इतना ही मतलब है फाइनली कि प्रश्न का मतलब ही है कि जीने में हमें दिक्कत कर रहा है ना, समस्या का मतलब ही है सवाल, प्रश्न। अभी तक हम भौतिक समस्याओं को समस्याएं, क्योंकि हमारे मानव जाति यदि मैं देखूं तो अभी तक प्रधान रूप में भौतिक समस्याओं को ही समस्या मानता है ना। यदि आप किसी से पूछें कि भैया कैसा हालचाल है तो जब तक उसको कोई भौतिक समस्या नहीं है तब तक वो बोलता है बढ़िया है, लेकिन जब उसको लगता है कि उसके घर में कोई इस तरह की बीमारी हो गई जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, या बच्चे को विदेश में भेजना है पढ़ने के लिए, बच्चे का सिलेक्शन हो गया और पैसे नहीं है, कहने का मतलब भौतिक समस्याओं को मैं समस्या मानता हूं
लेकिन मेरे कुछ गहरे सवाल हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसको मानव जाति अभी समस्या नहीं मानता, जबकि सही अर्थों में प्रश्नों के उत्तर ना होना ही समस्या है। तो मैं कह रहा था कि जो भी मैं उत्तर दे रहा हूं, आपकी तृप्ति हो उसकी जांचने का अधिकार, ये सही उत्तर है नहीं उत्तर है इसको जांचने का अधिकार ये मानव के पास सुरक्षित है, अर्थात आपके पास सुरक्षित है, मेरे पास सुरक्षित है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, नागराज जी ने कहा, है ना, या आइंस्टीन ने कहा या न्यूटन ने कहा। क्योंकि तो अब इसको कहां जांचेंगे, जैसे भौतिक जगत के सवालों को जांचने का तरीका भौतिक जगत में प्रयोग करके सफलता के आधार पर है, इसी तरह से जिंदगी से जुड़े हुए सवालों के उत्तर यदि मैं जीने में वो सहयोगी है, अर्थात मेरे संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीने में, मेरे अपने में विचारों में हार्मोनी को पैदा करने में, इसमें यदि वो फल परिणाम को लाता है, इसका मतलब वो सही सवाल है, सही उत्तर है, अदरवाइज उत्तर सही नहीं है। तो एक तो नागराज जी या बाबा के बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा उनसे मिलने के बाद, जो मेरे में एक अच्छी घटना भी घटी या उनके बोलने से ध्यान आकर्षण हुआ कि सही और गलत की जांच करने का अधिकार मानव के पास है। तो जो पहले तो मानव एक बड़ी चीज है, सही गलत को समझने की ताकत उसके पास है, यदि वो समझना चाहता तो समझ सकता है। इस तरह से इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जांचने का अधिकार मानव जाति के पास सुरक्षित है। तो एक एक करके पहले सवाल को लेता हूं, मुझे लगता है शायद रवीश भाई आ गए होंगे अभी तक। तो एक तो पहला सवाल था कि क्या अनुभव में सभी समान है, मानव देव मानव दिव्य मानव, तो किसको कह रहे हैं अनुभव, बेसिकली मतलब क्या हुआ इस बात को। यदि इसको दूसरे ढंग से देखें तो ये कह रहे हैं अनुभव वो घटना है जिसके बाद जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसा जीने का डिजाइन मुझे स्पष्ट हो गया है, और वैसा जी करके मैं अपने में तृप्ति महसूस करता हूं, अपनों के साथ तृप्ति महसूस करता हूं, और जो भी इन सवालों के उत्तर जानना चाहता है वो उसके तार्किक व्यवहारिक और तात्विक उत्तर को पाकर के स्वयं में तृप्ति को महसूस कर सकता है। तो रूट में देखेंगे तो दो ही घटनाएं घट रही हैं। एक तो जब मैं उस स्थिति में हूं जहां पर मैं जैसा समझना चाहता हूं जैसा जीना चाहता हूं, और जो मेरे पास समझ है, जो मेरे बिलीफ्स हैं, जो मेरी मान्यताएं हैं, उसके अनुसार जब मैं जीता हूं तो वो फल परिणाम नहीं आते जिनको मैं चाहता हूं, अर्थात संबंधों में तृप्ति नहीं आती, परिवार में नहीं जी पाता हूं, अपने में कुछ सवाल बने रहते हैं, प्रकृति के साथ जूझता रहता हूं। तो देखेंगे तो मैं तीन ही जगह जीता हूं, या तो मैं अपने साथ हूं, या मैं अपने संबंधियों के साथ हूं, या प्रकृति के साथ हूं, है ना। इन तीनों जगह जीते समय यदि मैं समस्याओं को खड़ा पाता हूं अपने में, परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ, इसका मतलब है कि अभी मुझे अनुभव नहीं हुआ है या मेरी समझ ऐसी नहीं बनी है जैसा मैं खुद चाहता हूं। तो इसका मतलब दो ही कैटेगरी है, एक मानव की एक वो कैटेगरी जहां वो जैसा जीना चाहता है वैसा जी नहीं पाता, उसकी समझ पूरी नहीं है। एक वो कैटेगरी जैसा वो जीना चाहता है उसकी ऐसी समझ बन गई है, वैसा जीता है, वैसे फल परिणाम आते हैं। उसी कैटेगरी को डिफाइनिंग क्राइटेरिया को अनुभव कहा जा रहा है। तो अमानव के बाद जो दूसरा पद है वो मानव पद ही है। उसके बाद तीसरी स्थिति है जहां पर वो ऐसा दूसरों के जीने में सहयोगी हो पाता है, उसी को अति मानवीयता कह रहे हैं, जहां पर वो दूसरे मानव के लिए माने पात्रता विकास कर पाता है, पात्रता के अनुसार उनको योग्यता संपन्न कर पाता है। ये जो घटना है जिसको आचरण पूर्णता की घटना कह रहे हैं, उपकार कर पाता है, अपने समझे हुए को दूसरों को समझा पाता है जी करके, बोल करके, इस घटना को। तो इसलिए इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि अनुभव सभी में समान होना पड़ेगा। मानव पद में सच्चाइयों को जाने बिना जिया नहीं जा सकता। अब जो दूसरी बात आती है कि क्या अनुभव का मतलब, तो बहुत बड़ा ऐसा हमें लग रहा है आज की स्थिति में ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि पहला मोबाइल बनाना अपने आप में बड़ा कठिन काम है, एक पहली कार बनाना बहुत कठिन काम है, न्यूटन को न्यूटन के नियम को पहचानना में बड़ा श्रम है, राइट ब्रदर्स को फ्लाइट माने पहली माने एरोप्लेन बनाने में बड़ा श्रम लगता है, पहला बल्ब बनने में बहुत श्रम लगता है, लेकिन जैसे जैसे पहले के बाद फिर कुछ और बनाने में ज्यादा श्रम लगता है, उसके बाद ये आम बात हो जाती। तो आज जितनी ये खास बात लग रही है, ऐसा मुझे लगता है आने वाले समय में अनुभव संपन्नता एक बहुत ही साधारण सामान्य आम आदमी की बात होगी। तो और
दूसरा मुद्दा जो बहुत सारे लोग कहते हैं, भैया सब कुछ को कैसे जाना जा सकता, क्योंकि ये माने वेस्टर्न वर्ल्ड में भी या भौतिक जगत में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आदर्शवादी जगत में भी ये बहुत माना जाता है कि मानव तो एक तुच्छ प्राणी है ना, वो सब कुछ को कैसे समझ सकता है। और आप तो कह ही रहा है कि आई एम ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट और लाइफ लॉन्ग लर्नर, इन सब विचारों पे, इन सब मान्यताओं पर हमें पुनर्विचार करना होगा। तो मानव लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं है, क्योंकि यदि लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही करता रहेगा तो जिएगा कब, है ना। तो दूसरा मुद्दा है कि जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, है ना। बाबा के हिसाब से देखें तो तीन ही चीज़ें समझनी है, मानव क्या है माने जीवन ज्ञान होना है, अस्तित्व क्या है तो सहअस्तित्व का ज्ञान होना है, और इनके फलन में मेरे जीने का स्वरूप क्या है तो मानवीयता पूर्ण आचरण का ज्ञान होना है। तो ये तीन ही चीज़ें समझना है जीने के लिए, और अर्थोपार्जन के लिए हमें कुछ स्किल्स को समझने की जरूरत है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भौतिक जगत ये कहता है या विज्ञान ये कहता है कि सब कुछ नहीं जाना जा सकता, तो वो जो स्किल के फील्ड में ये शायद एक आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो एरोप्लेन उड़ाना भी सीख ले, है ना, वो कोई फैक्ट्री चलाना भी सीख ले, वो कार की मैन्युफैक्चरिंग भी सीख ले, मोबाइल को रिपेयर करना भी सीख ले। कहने का मतलब हजारों विधाएं हैं, तो जीने के लिए माने जिंदा रहने के धरातल पर इन सारे स्किल्स की एक आदमी एक परिवार को आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए उसको उतना ही समझने की जरूरत है। जो बाकी जीने के क्षेत्र में जो समझने की बात है वो है संबंधों को समझना, अपने जीवन के अमृत को समझना, व्यवहार के नियमों को समझना और सहअस्तित्व को समझना और इसको जीने में प्रमाणित करना। तो इस ढंग से देखा जाए तो जीने के लिए जरूरी है, जिसको विजडम भी कहा, उसको समझना सभी के लिए संभव है। कोर्स बहुत लिमिटेड है, समय ज़्यादा है, लेकिन अभी वातावरण परिस्थिति अनुकूल नहीं है। जो अपने सुबह चर्चा की, एक बार परिस्थितियाँ अनुकूल होने से ये बहुत ही सामान्य सी घटना होगी कि एक बच्चा 18, 20 साल 25 साल की उम्र में आते आते अनुभव संपन्न होगा और उसको अपने 4-5 साल में अपने जीने में स्वायत्तता, जिसको 6 सद्गुणों की जो बात कर रहे हैं, है ना, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यक्तित्व प्रतिभा में संतुलन और व्यवसाय में स्वावलंबी और व्यवहार में सामाजिक, तो ये घटना सभी के लिए बहुत ही आसान होगी ऐसा मुझे लगता है। तो सब कुछ जानना, और दूसरे ढंग से देखें तो समुद्र के कुछ पानी को टेस्ट करके हम पूरे पानी के बारे में जान जाते हैं, लोहे की कुछ जगह लोहे को पहचान करके हम विश्व में कहीं भी लोहा होगा, यहाँ तक कि चांद पर भी यदि वो लोहा मिलता है तो उसी आचरण के साथ मिलता है। इस ढंग से हम जिस तरह से एक पके हुए चावल को देख करके इस बर्तन में सारे चावलों की क्या कंडीशन है इसको पहचान लेते हैं, तो चीज़ें छोटी छोटी उनके एक एक के रूप गुण स्वभाव धर्म, क्योंकि जो पद हैं या जो पदार्थ है जगत है और जो व्यापक है तो बहुत लिमिटेड वस्तुएं हैं, है ना, इनको सामान्य रूप में इनके रूप गुण स्वभाव धर्म को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए ऐसा जो हमारे में एक लगा हुआ है कि सब कुछ को नहीं जान सकते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सब कुछ को जाना जा सकता है। हाँ, इसके क्रम हैं, पहले पहली घटना में सब कुछ की सूचना आती है, दूसरी घटना में सब कुछ का तर्क आता है जहाँ पे तर्क के आधार पे, फिर इन्हीं चीज़ों की सच्चाइयों का साक्षात्कार होने की घटना है, फिर अगले क्रम में इन चीज़ों के ऊपर अवधारणा बनने की बात है समग्रता में, और अगले कदम में इसके ऊपर अनुभव होने की बात है, उसके बाद इनको अपने जीने में प्रमाणित करने की बात है। तो अनुभव में समान है, है ना, और चाहे वो शिक्षा विधि से आए चाहे सिद्धि विधि से आए, उसका समझ में आने के बाद समझ में समानता है, सही में एक है गलती में अनेक है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ एक तरह से एक साधना विधि से पाया, एक प्रयास पूर्वक, लंबे प्रयास पूर्वक पाया, आज जो बच्चा यदि न्यूटन का नियम को समझता है और हम सैटेलाइट भेज ही रहे हैं उस नियम को यूज करके, तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि न्यूटन ने समझा था इसलिए उस पर हम विश्वास करेंगे, और आज कोई बच्चा उस नियम को यदि समझता है तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि फल परिणाम तो समान आते हैं। तो शिक्षा विधि से आए या सिद्धि विधि से, उसके फल परिणाम जीने में वही तृप्ति के स्वरूप में है, इसको आगे अपने इसमें पढ़ने में भी आएगा। इस तरह से मुझे लगता है ये उत्तर होता है इसका, बट फिर भी इसका पूरा अधिकार रवीश भाई के पास सुरक्षित और जो सुन रहे हैं उनके पास सुरक्षित है, फिर भी अगर कोई बात हो तो मैं अपने तर्कों को रख ही सकता हूं। दूसरा जो सवाल आया था कि कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता, वैसे इस पर अभी चर्चा होनी है,
तो कार्यक्रम साम्यता और कार्यक्रम समानता, इन दोनों में अंतर करें। कार्यक्रम साम्यता का मतलब है कि हम जिस लक्ष्य के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम साम्य हैं। ये मतलब नहीं है कि हर एक को वही काम करना है। जैसे घर में भी हम देखेंगे आजकल तो, या हमेशा से, कोई बर्तन साफ कर रहा है ना, कोई खाना बना रहा है, तो कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है। तो ओवरऑल पर्पज क्या है कि जो घर में सोने की, रहने की, खाना बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें, इसमें हम सब यदि भागीदार होते हैं तो इसको कहेंगे हम इस कार्यक्रम में साम्यता को पा गए हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी को एक ही काम करना है। तीसरा जो बिंदु है वीरता, बहुत ही अच्छा है ना, शायद ऋषभ भाई ने पूछा है। और प्रतिहिंसा और वीरता बड़ी चीज है ना। तो सही अर्थों में वीरता का मतलब है कि दूसरों को न्याय दिलाने में अपने तन मन धन का नियोजन, इसको कह रहे हैं वीरता। तो वीरता का मतलब है कि दूसरों को न्याय दिलाने का क्या मतलब है कि दूसरा भी अपने संबंधों में जी पाए। संबंधों में जी पाने का क्या मतलब है कि संबंधों में जीने का मतलब है कि उसको जीवन के अमृत का पता होना पड़ेगा, क्योंकि संबंध में जीने के लिए संबंध को पहचानना पड़ेगा। और संबंध को पहचानने के लिए, चूंकि मानव मानव के बीच में संबंध है, इसलिए मानव को पहचानना पड़ेगा। और मानव चूंकि शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, इसलिए जीवन को पहचानना पड़ेगा। और ये जो परस्परताएं किस तरह से सहअस्तित्व रूप में सजी हुई हैं, इसलिए पूरे अस्तित्व की डिजाइन को पहचानना पड़ेगा। इस तरह से लिंक बनता है। तो यदि कोई पहचान गया है तो अब उसकी वीरता का मतलब है दूसरों को ऐसी पहचान करा पाने में जो अपना तन मन धन का योगदान है। और ये बड़ी बड़ा ही वीरता का काम है, इस सेंस में कि जब आप अपनी बात को रखते हैं और दूसरा बोलता है भैया मैं तो नहीं मानता इस बात को, है ना, उस समय जो धैर्य चाहिए, जिसको कह रहे हैं धीरता, वीरता के लिए धीरता पहला चरण है। तो सही अर्थों में वीरता है ना कि वो हम कोई फोर्स पूर्वक, अभी हम अपनी बात को फोर्स पूर्वक मनवाने को वीरता कहते हैं। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि अभी इन शब्दों का प्रचलन तो बहुत पहले से हमारे समाज में है ही, संबंधों का भी नाम के रूप में प्रचलन है, इन बातों का भी, वित्तेषणा पुत्रेषणा, धन बल जन बल, कामना यश की कामना, ये शब्द हमारे पास हैं। लेकिन इनके सही अर्थ में, सही वास्तविकता में, अस्तित्व सहज सहअस्तित्व रूपी अर्थ में इनका किस तरह से ये डिफाइन होते हैं, उनको डिफाइन किया है। तो वीरता का सही अर्थ में मतलब है दूसरों को न्याय दिलाने में जो अपनी प्रयुक्ति है वैचारिक और तनबंधन की, इसको कह रहे हैं वीरता। और ये सही अर्थों में माने काफ़ी वीरता का काम है ना। इसको जब आप करके देखेंगे तो अपने को पता चलता है कितना धैर्य चाहिए अपने में, और कितनी स्पष्टता चाहिए, और कितना उसको अपने आचरण में जीते हुए चाहिए। क्योंकि हम लोगों को तर्क में तो चीज़ों से चुप करा सकते हैं, लेकिन वो आचरण में तो तभी आती है जब वो कम से कम आंशिक रूप में आपके आचरण में इस बात को देख पाता है। इसीलिए सारा ज्ञान का ट्रांसफर संबंध पूर्वक ही हो पाता है, और गुरु शिष्य भी एक संबंध है। तो संबंध पूर्वक ही हम एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो प्रतिहिंसा तो हिंसा ही है, चाहे वो किसी और ने की हो। तो यदि सही अर्थों में उस जिसने हमारे साथ हिंसा की है उसका सही जवाब तो यही है कि हमें ये पता रहे कि कोई भी मानव हिंसा करना नहीं चाहता। हिंसा करने के पहले उसमें हिंसक विचार आता है, और हिंसक विचार के मूल में उसको दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इसके पहले हमारे में वो हिंसक विचार आ नहीं पाता है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल रूप में उदाहरण देता हूँ कि यदि जब आप किसी पर क्रोध करते हैं तो उसके पहले, जिसको क्रोध कह रहे हैं, हमें अपने में अक्षमता को महसूस हुए बिना हमें क्रोध नहीं आ सकता। इसका मतलब कि हम पहले ही पीड़ित हो जाते हैं। तो प्रतिहिंसा करने वाला भी पीड़ामय होता है, इसलिए उसके साथ हमें दया, जैसे जैसे स्पष्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से, है ना, उनके ऊपर हम दया कर पाए, है ना, या क्षमा कर पाए, इस बात को देखेंगे। फिर एक और सवाल है जो कि ऐसे नेचुरल लॉज क्या हैं लाइफ को जीने के लिए। तो अमृतपाल सिंह जी ने शायद पूछा है। तो सिंह साहब, बेसिकली हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उन्हीं नेचुरल लॉज की बात कर रहे हैं। यदि नियम के रूप में देखेंगे तो प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम, इन नियमों को पहचानने की बात है, है ना। तो जिसको सामाजिक नियम कह रहे हैं, जिसमें स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्यक्रम, इसको कह रहे हैं सामाजिक नियम। यदि ये नियम समझ में आता है, और जो बौद्धिक नियम जिसको असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, है ना,
ये जो पांच अभयता, इन पांच बौद्धिक नियमों को समझने से और प्राकृतिक नियम, जहां इसको कह रहे हैं कि प्रकृति की साइक्लिसिटी क्रियता को बनाए रखते हुए मानव अपने, मानव जाति समाज अपने अपने साधनों को पा जाए किसके लिए, शरीर पोषण और संरक्षण और समाज गति के लिए, इसी को कह रहे हैं इन नियमों को समझना। और इन नियमों को समझने के लिए हमें हमें इसको समझना पड़ता है कि मैं खुद क्या हूँ, पूरे एग्जिस्टेंस का डिजाइन क्या है। यदि हम इसको समझते हैं तो हमें लगता है कि यही नेचुरल लॉज हैं। उसी को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन है ना ये प्रतिपादित है, और ये जो अपन ये जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं इसी क्रम में है कि हम इन नियमों को समझ पाएं। तो इसको समझ करके ही सारा का सारा समझ, भाई समझना ही क्यों है, पहले समझने का उद्देश्य ये है कि हम जैसा जीना चाहते हैं नहीं जी पा रहे हैं, इससे पता लगता है कि अभी समझने में कुछ शेष है। ये भी समझने से बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में कभी कभी दो तीन घंटे की जब चर्चा करता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ, और अधिकतर लोगों से मैं जब ये पूछता हूँ कि क्या लगता है, समझदार लोग ज्यादा परेशान रहते हैं ना समझ, तो बहुत सारे लोगों का नॉर्मल उत्तर तो यही आता है कि भैया समझदार लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। फिर मैं उनसे बोलता हूं, अच्छा ये बताओ अपने बच्चों को समझदार बनाना है नहीं बनाना है, तो उनका ध्यान जाता है यार बच्चों को तो हम समझदार बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं ये डाइकोटोमी नहीं हो गई, एक तरफ आप कहते हो समझदार लोग परेशान रहते हैं, तो देखिए सच्चाई तो यह है कि समझदारी ही सुख है, तो समझदार लोग परेशान नहीं रहते। अभी हम जिसको समझदारी मानते हैं वो एक्चुअली समझदारी नहीं है, संवेदनशीलता है ना, इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। तो समझने के बाद, समझने का ही पहला फलन ये है हर समझदारी का कि मानव सुख पूर्वक जी पाता है। तो समझ बराबर सुख, तो मैं उनको कहता हूं ये सूत्र को बदल दीजिए, यदि कोई दुखी है इसका मतलब उसको समझदारी का भ्रम है, वो समझदार नहीं है। तो दुख बराबर ना समझी और सुख बराबर समझदारी, तो सूत्र को उल्टा कर दें। और जब जब आपको ये लगता है कि आप समझदार हैं और अपने आप जो समझदार नहीं है उसके हरकतों से या उसके कार्यक्रम से आप दुखी हो रहे हैं, और दुखी होने का मतलब है कि आप कहीं समझदार की में चूक हो रही है, कहीं गलती हो रही है, इसको पहचानने की जरूरत है। तो समझदारी से गलतियां नहीं, समझदार आदमी दुखी रहता ही नहीं है, उसका पहला प्रमाण है। दूसरा और समझदार होने का प्रमाण है कि हम दूसरों को समझदार बनाने में सहयोगी हो पाते हैं, है ना, ये दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप तो यही है कि हम दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होते हैं, यही मेरी योग्यता है, समझदारी है। तो सारे के सारे नेचुरल लॉज को समझने की बात या मानव में जीते जीने के नियमों को समझने की बात यही है, क्योंकि ऐसा समझने से हम समझदार होकर के सुख को महसूस करते हैं, अर्थात अपने अंतर द्वंद जो हैं, अपने में जो ये बहुत सारे द्वंद बने रहते हैं कि ये मोक्ष क्या है, ये मुझे कितना पैसा चाहिए, कैसे संबंधों का निर्वाह करना होता है, अच्छे पिता का मतलब क्या है, अच्छे भाई का मतलब क्या है, है ना, ये अच्छे नागरिक का मतलब क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नेचर के साथ कैसे हमें अपने को डिजाइन को बनाना है, इन सारी चीजों के उत्तर को पहचानने से हमारे में जो इनर कन्फ्लिक्ट है उससे मुक्त होते हैं। एक बार जब इनर कन्फ्लिक्ट से मुक्त होते हैं, जिसको मैं कहता हूं तर्क तृप्ति, है ना, इस तर्क तृप्ति के बाद फिर हम कैसे धीरे धीरे, है ना, तर्क तृप्ति से जीने में तृप्ति के लिए डिजाइन को बनाते हैं, जिसमें साक्षात्कार और बोध और अनुभव की बात आती है। बढ़िया, तो नेचुरल लॉज की ही बात कर रहे हैं सिंह साहब, है ना, इसमें अपन मिलजुल के साथ साथ चलेंगे। अगला जो सवाल था पात्रता, योग्यता और क्षमता। तो पात्रता का मतलब है हमारे में जिज्ञासा उदय हो गई है, पात्रता का मतलब है अब जो इंद्रिय तृप्ति से, संवेदनाओं की तृप्ति से जो सुख के लिए मेरे में एक तीव्र अपेक्षा अभी तक के वातावरण को देख करके बनी हुई थी, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, है ना। और ये स्थिति अपने समाज में बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि हम बहुत कम उम्र में मिलेनियर बन जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी संभावनाएं हुई हैं। पहले मुझे याद है आज से ही 40-50 साल पहले हमारे माता पिता को ये लगता था कि घर का एक मकान बना लें रिटायरमेंट होते होते, है ना, एक कार खरीद लें, कार तो शायद सपने में नहीं थी, विदेश यात्राएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारे ही बच्चे 20, 25, 30, 35 की उम्र में आते आते इस सबको पहचान लेते हैं, और इसके साथ साथ एक अच्छी घटना कुछ लोगों में कम से कम ये घट रही है कि उनको ये दिखने लगता है कि अब इन्हीं संवेदनाओं की तृप्ति से आगे काम बनने वाला नहीं है। तो पात्रता का मतलब है कि इस तरह का अपने में
मैं जिस सुख को चाहता हूं उसको जिस विधि से अभी पाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाना, इसको कह रहे हैं पात्रता विकास हो गया और अब मैं सही को समझना चाहता हूं, निरंतर सुख को जीने का लिए मेरे में एक जिज्ञासा पैदा होगी। योग्यता है कि उस जिज्ञासा के अनुरूप उत्तर प्राप्त हो गए, तृप्ति हो गई, है ना, अब मैं योग्य हो गया। क्षमता का मतलब है जो तृप्ति हुई है, जो मेरी योग्यता का विकास हुआ है, पात्रता के अनुसार जो उत्तर मिले हैं उनको जीने में, इसलिए क्षमता को वहन क्रिया भी कहा है, उसको मैं जी पाता हूं, ये मेरी क्षमता को बताता है, इसको मैं जी करके देख लिया हूं। यही जैसा मुझे ये लगा था कि जिससे तृप्ति हो कि उसको जीने में इसको फिर से जांच पाता हूं और फिर इस तरह से दूसरों के जीने में भी मैं सहयोगी हो पाता हूं। तो इस तरह से एक लेवल में पात्रता योग्यता क्षमता को समझ सकते हैं। दूसरे ढंग से देखेंगे तो क्षमता हर मानव में दिव्य मानव पद तक या जागृति को प्रमाणित करने की क्षमता से मूल रूप में हर मानव संपन्न है, उसका वो पात्र है ही, है ना, और उसमें वो योग्यता है ही रूट में, क्योंकि बीज रूप में वृक्ष की जो कल्प माने वृक्ष बनने की जो ताकत है वो बीज रूप में हर मानव में समाई रहती है। इसलिए ऐसा भी कहा है जिसको जहाँ पे हमने सुबह का एंड किया था कि मानव में सूक्ष्म इच्छा के रूप में कहीं ना कहीं अच्छेपन को करने का, अच्छा होने का, या जो मानव की परिभाषा ही है मनाकार को साकार करने वाला और मनः स्वस्थता का आशावादी, इस सूक्ष्म इच्छा की मेरा मन स्वस्थ हो, मैं दूसरों के पूरक होके जी पाऊँ, मैं हारमोनी में जी पाऊँ, है ना, ये वाली जो इच्छा सभी में बनी हुई है, तो इस रूट में बीज हम सब में मानव होने के नाम, है ना, चाहे वो भ्रमित स्त्री में ही क्यों ना हो, उसमें भी और पशु में यही बेसिक अंतर है जो राकेश भाई ने बहुत अच्छे से बताया था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पात्रता योग्यता क्षमता, पात्रता ग्रहण क्रिया के रूप में भी है, योग्यता एक्सप्रेशन के रूप में भी है, और क्षमता जीने के बहन क्रिया के रूप में है। इसकी अपनी बात हुई है कि अनुभव संपन्नता ज्ञान में हम सब समान है। व्यक्त होते समय फिर पद की बात है कि जब मैं व्यक्त होने जाता हूं तो सबसे पहले अनुभव संपन्न होने के बाद मैं व्यक्ति के रूप में सुख को महसूस करता हूं, फिर उसको परिवार में और उसको उसको अपने समाधान समृद्धि के मॉडल को डिजाइन करता हूं, और फिर इसको मानव पद को, देव मानव पद को और दिव्य मानव पद को मैं प्रमाणित करता हूं। एक अगला जो क्वेश्चन था, गठनपूर्ण परमाणु का ओरिजिन, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है कि मानव जो है गर्भ में तो शरीर रचना हो रही है ना, स्पर्म और ओबम के थ्रू तो शरीर रचना होती है, उसको कोई जीवन जो गठनपूर्ण परमाणु है, क्यों जीवन शरीर को स्वीकारता है, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है और अपने सुख को प्रमाणित करना चाहता है, इसलिए उस शरीर को चलाता है। और इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि बच्चा जन्म से ही, है ना, न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। तो इसको अपन बात कर ही रहे हैं कि न्याय का याचक कैसे, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि वो उसके साथ न्याय हो, और इसको बहुत अच्छे से जब अपन प्रयोग करके देखते हैं तो भारत में तो वैसे भी ये जो कई बार हम कन्या भोज कराते हैं तो अपने घर में चार पांच छोटे बच्चे जो हैं जब वो आते हैं और आप सबको चार चार टॉफी दीजिए और किसी एक बच्ची को एक या दो टॉफी दीजिए, तो बच्चा आपके पास आता है, आंटी आंटी शायद आपसे कुछ गलती हो गई, है ना, आपने सबको चार दी और मेरे को तो दो ही दी, है ना, तो वो ये बता रहा है कि देखो ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, है ना, आप गलती हुई है। लेकिन तो न्याय का याचक तो है, क्या वो न्याय कर पाता है? यदि उन्हीं पांच बच्चों में आप सबको चार चार टॉफी दें और उस बच्चे को आप 12 टॉफी दे दें तो ऐसा नहीं पाया जाता सामान्यतः कि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करे, कह रहे मेरे को आंटी ने गलती से ज्यादा दी, हम सबको बराबर बराबर बांट लेनी चाहिए। तो इससे पता लगता है कि न्याय करना नहीं आता, जबकि यहां पर मैं न्याय को अभी वस्तु के बराबर बंटवारे को न्याय कह रहा हूं, वास्तव में तो ये न्याय का एक बहुत छोटा हिस्सा है, न्याय तो एक्चुअली संबंधों में मूल्यों के निर्वाह करने को कह रहे हैं, है ना, बट जो बच्चा जितने को पहचानता है उतने को भी नहीं कर पाता, इस बात को ध्यान आकर्षण कराने के लिए मैंने इस उदाहरण को आपके सामने रखा कि बच्चा न्याय का याचक है। इसी तरह से वो सही और गलती को पहचानना चाहता है, वो पूछता ही है कई बार अपनों से, अपने जिनको वो बड़ा मानता है कि क्या ये सही है गलत है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, जहां भी उसको द्वंद आता है उस पर वो क्लैरिफिकेशन चाहता है। बहुत सारा ये हम लोग देखते ही हैं, माता पिता जैसे ही बच्चे बोलना शुरू करते हैं
बहुत सारे सवाल वो पूछते हैं, है ना। और जब हमारे पास उत्तर नहीं होते हैं, तो कई जब वो सवाल नहीं पूछते तब तो हम बोलते हैं कि भाई तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो बेटे, क्या बात है, पूछा करो जो तुम्हारे मन में आए। और जब वो सवाल पूछता है और जब वो हम अटक जाते हैं कहीं, है ना, जैसे वो कई बार हम लोग सुनाते हैं शिविरों में, इस बात की चर्चा करते हैं कि बच्चा बोलता है पापा ये दुनिया किसने बनाई, या हमारी बहन कहाँ से आई, तो हम बोलते हैं भगवान ने बनाई, है ना। फिर बोलता है भगवान को किसने बनाया, फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं बेटा तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ, है ना। मतलब उसका ध्यान फिर डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमारे पास उतने तर्कसंगत नहीं है जितने होने चाहिए। तो इस तरह से देखा जाता है कि बच्चों में सही वो जो जिज्ञासा है वो हमें परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि वो सही और गलत को पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस अर्थ में बहुत सारे सवालों को पूछते हैं। तीसरा जो सत्य वक्ता है ना, कि अभी उसको सत्य का अता पता नहीं है ना, सही गलत का पता नहीं है, न्याय का पता नहीं है, लेकिन सत्य वक्ता को हम बच्चों में इस तरह से पहचानते ही हैं कि जब कभी, है ना, पहले तो वो जो है ना अपने घर में फोन हुआ करते थे, MTNL BSNL वाले, बाहर से फोन आएगा, बच्चा उठाएगा, कोई पूछता है अंकल पापा घर पे हैं, वो पापा की तरफ देखता है, पापा पीछे से बोल रहे होते बेटा मना कर दो पापा घर पे नहीं है, तो फोन पर ही बोल देता पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है ना। या हम जब बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाते हैं और वहां पर वो जब कुछ खाने के लिए परोसते हैं और बच्चे का मन हो रहा है, वो तो उसके चेहरे पर दिख जाता है जिनके यहाँ घर गए होते हैं, तो आंटी को दिख रहा है कि बच्चे का मन है, लेकिन बच्चा हाथ नहीं लगा रहा है प्लेट को, है ना, केला नहीं ले रहा है, टॉफी नहीं ले रहा है, तो पूछती है तो वो मम्मी की तरफ देखने लगता है, अच्छा, मम्मी ने मना किया, तो बोलते हैं हाँ मम्मी ने मना करके बोला। तो कहने का मतलब कि वो सत्य वक्ता है, लेकिन सत्य तो आंखों से बड़ी चीज है, अभी तो वो आंखों देखे को ही हमने सत्य माना हुआ है, जबकि पूरा सत्य तो आंखों में समाता नहीं है, जिसकी हमने चर्चा की, जो व्यापक रूपी सच्चाइयां हैं, जो नियम है ना, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम हो या बहुत सारे जो नियम है संबंधों में मूल्य हैं, ये आंखों में नहीं आते, संवेदनाओं में पकड़ में नहीं आते, लेकिन ये वास्तविकताएं हैं, ये सच्चाई है ना। तो सत्य वक्ता है, एक्चुअली सारी शिक्षा का काम ही तीन ही है, कि बच्चा जो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्य वक्ता है, उसको न्याय अन्याय क्या है इसकी पहचान करा दे, सही गलत क्या है इसमें स्पष्टता पैदा कर दे, और सत्य क्या होता है इसका ज्ञान करा दे। ये तीन ही काम अपने को करने हैं, जिन तीन चीजों को, जो मैंने यहां से बात शुरू की थी कि हम सब जन्म लेते ही क्यों हैं गर्भ में, है ना, जीवन, क्योंकि जीवन तो इन चीजों को जानने के लिए ही जन्म लिया है उसने, सच्चाइयों को पहचानने के लिए, न्याय धर्म सत्य की पहचान के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए, तो इन तीनों के लिए ही शिक्षा का मेन काम है। और चूंकि शरीर के माध्यम से प्रमाणित होना है, तो बाकी तो फिर खाने पीने का जो डिजाइन है उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, इस प्रकृति के संसाधनों को बनाए रखते हुए, आवर्तनशीलता को पहचानते हुए, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे कर लें, बाकी का डिजाइन उत्पादन का, विनिमय का, उस डोमेन में है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या गठनपूर्ण परमाणु अभी भी बनी रहे भाई, अस्तित्व तो नित्य वर्तमान है और वो आवश्यकता अनुसार वहां पर चीजें होती ही रहती हैं, तो ये बिल्कुल उस पर हमने कोई रोक लगा दी हो या हम कोई रोक लगाने वाली स्थिति में हो, ऐसा है नहीं, तो बिल्कुल आवश्यकता अनुसार, है ना, ये सब डिजाइन चलता ही रहता है। तीसरा जो एक और सवाल था, 9th वाला, जो पदचक्र आवर्तनशीलता की जो बात है, देखिए पदचक्र किसको कह रहे हैं, तो जब हम सृष्टि दर्शन कर रहे हैं, सृष्टि दर्शन का मतलब है कि जब मैं अस्तित्व में हम और आप खुली आंख से आसपास देखते हैं, तो जो स्थूल रूप में हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई देता है कि यार ये मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे, है ना, पशु पक्षी और मानव, ये चार ही अवस्थाएं हमें प्रधान रूप में दिखाई दे रही हैं। और ये भी दिखाई देता है कि उसी मिट्टी में आम का बीज लगाने से, नीम का बीज लगाने से, टमाटर का बीज लगाने से, गेहूं का बीज लगाने से वो प्राण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वही प्राण अवस्था फिर मिट्टी में मिल जाती है, या उसी प्राण अवस्था की कोई एक चीज को मैं खाता हूं, जैसे मैंने एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया, आज दाल रोटी खा ली, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि दाल आई कहां से थी, तो पता लगा किसी खेत से आई थी, उसके पीछे जाएंगे तो पता लगा वो मिट्टी पत्थर और जो जलवायु है उसके संयोग से और उस बीज के संयोग से, है ना, जिसको अपने आरजी भाई ने रखा था, अभी मैं देख रहा था किसी ने पूछा पूर्णता और संपूर्णता की बात, तो ये जो संपूर्णता में माने पूरे पूरे वातावरण के योग संयोग में जो फल पैदा हुआ, गेहूं पैदा हुआ, सब्जी पैदा हुई, तो ये बेसिकली मिट्टी पत्थर पानी इस सबको मैं कन्वर्ट हुआ फल में, उसी फल को मैंने खाया, वही फल में से कुछ हिस्सा, उसी सब्जी रोटी में से कुछ हिस्सा मेरा खून बन जाता है, मेरी मांस मज्जा बन जाती है, हड्डी बन जाती है, कुछ फिर बाहर निकल जाता है मल मूत्र के रूप में, जो कि फिर खाद बन जाता है, फिर उसी खेत या किसी खेत में जाता है और फिर वो फिर से प्राण अवस्था का हिस्सा बन जाता है।
तो ये जो चक्रीयता है इस चक्र को कह रहे हैं प्राण पद चक्र, अर्थात पदार्थ और प्राण अवस्था, अर्थात ये जो पूरा जो प्राण अवस्था जगत है, पेड़ पौधों का जगत है, ये जो पूरे के पूरे इनमें एक आवर्तनशीलता बनी रहती है और जिस धरती पर हम पेड़ पौधों को लगा देते हैं वो उस धरती को और उर्वरक बना देता है, इस तरह से इनमें एक पूरकता को भी देखा जाता है। तो ये पहला चक्र है जिसको कह रहे हैं प्राण पद चक्र। उसके बाद आती है कि ये जो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में बदलता रहता है, प्राण अवस्था फिर इसमें बदलता रहता है, इसको दूसरे शब्दों में विकास क्रम भी कहा। और फिर इसमें कुछ परमाणु हैं जो गठन पूर्ण हो जाते हैं जिसको कहा विकास, है ना, क्योंकि इसके बाद अब इस चक्र में हिस्सा नहीं लेता, यहां से अब दूसरा चक्र शुरू होता है ना, जिसको कह रहे हैं कि भ्रांति पद चक्र, जिसमें जीव जंतु हैं माने ऐसे शरीर जिनमें समृद्ध मेधस है और गठन पूर्ण परमाणु अर्थात जीवन जीने की आशा से इन शरीरों को चला रहा है, और उसी में कुछ भ्रमित मानव वाला डिजाइन है जहां पे कुछ जीवन इस समृद्ध पूर्ण मेधस है ना रूपी शरीर जो कि प्राण अवस्था की इकाई है जैसे हम और आप, वो ये जीवन जो है सुख पूर्वक जीने की आशा, जीना भी चाहता है लेकिन कैसा, सुख पूर्वक, इसलिए संवेदनाओं में सुख को ढूंढता है, जबकि पशु जगत विषयों की तृप्ति के लिए संवेदनाओं को यूज करते हैं, हम सुखी होने के लिए अपनी संवेदनाओं को लगाते हैं। इस तरह से ये दूसरा चक्र है जिसमें पशु पक्षी और भ्रमित मानव ये घूमते रहते हैं आपस में, इसमें चक्रियता है। अच्छी बात यह है कि बहुत कम संभावना यह है कि मानव फिर से पशु शरीर को लेगा, अधिकतर संभावना है कि मानव शरीर को ही लेता है, लेकिन इसकी संभावना से मना नहीं किया जा सकता, इसलिए एक ये चक्र है। इसमें से कोई कोई चक्र से बाहर निकल जाता है, अर्थात जो भ्रमित मानव सुख की अपेक्षा के साथ था वो सच्चाइयों को समझ जाता है किसी घटनाक्रम में, या तो अनुसंधान के द्वारा या परस्परता में शिक्षा अध्ययन के द्वारा, ये दो ही विधि है, और इस तरह से वो अनुभव संपन्न हो जाता है अर्थात उसको सच्चाई पकड़ में आ जाती है और वो सुखी हो जाता है। तो जो भ्रमित वाले चक्र से बाहर हो जाता है इसी को कह रहे हैं क्रिया पूर्णता, है ना, या इसी का जो दूसरी पहली घटना थी गठन पूर्णता, और दूसरे चक्र से जो बाहर आता है इसको फिर कह रहे हैं क्रिया पूर्णता, है ना। तो ये जो क्रिया पूर्णता हो जाती है इसके बाद जो तीसरा चक्र है जिसमें अब मानव और देव मानव के बीच में, कभी वो परिवार के प्रधान रूप में परिवार के साथ काम करता है, कभी वो समाज में काम करता है, फिर आप उम्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, बहुत सारे उसके अनुसार वो इस चक्र में रहता है। और एक स्थिति बनती है जब इस चक्र से बाहर हो जाता है जिसको कह रहे हैं आचरण पूर्णता या दिव्य मानव पद, है ना, या पद मुक्ति। तो इस तरह से ये तीन चक्र की बात है ना। मैं इसको डायग्राम को भी आपको दिखा देता हूं, मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस तरह से ये जो तीनों चक्र हैं, तो ये पदार्थ है और प्राण अवस्था में ये चक्र है एक, फिर ये पशु पक्षी जगत और भ्रमित मानव एक ये चक्र है जिसको भ्रांत पद चक्र कह रहे हैं, और मानव और देव मानव का एक चक्र है और जिसको कि देव पद चक्र कह रहे हैं। तो यदि आई थिंक बहुत विजिबल तो नहीं है, ये जो तीन मैंने सर्कल बनाए हैं, है ना, इसको अब हम लोग इसमें और रख देंगे, किताब को आप देख पाएंगे बाद में। बढ़िया, तो एक तो ये हुआ प्रतिहिंसा और अहिंसा। यदि कोई हिंसा करता है तो क्या करें, तो कई बार चसोम भाई कहते हैं कि नासमझी टैक्स है। और हम सब एक इससे और बहुत अच्छी बात याद आई कि देखिए हम सब एक कनेक्टेड वर्ल्ड का हिस्सा हैं, और बहुत सारे धर्मों में खासतौर से जैन धर्म जिसको मैं बिलोंग करता हूं, उसका छोटा मोटा जो भी मैंने अध्ययन किया या ट्रेडिशनल वे में जब हम अपने परिवारों में देखते हैं, तो हमें मुझे तो ये काफी बताया गया कि देखो भैया हर कर्म का फल होता है, और कर्म फल सिद्धांत काफी इंडिविजुअलिस्टिक है माने व्यक्तिगत है, अर्थात यदि मैं अभी दुखी हो रहा हूं तो आज यदि मैं उस ट्रेस नहीं कर पाता हूं इस बात को कि अभी दुखी या सुखी क्यों हूं, तो इसका पक्का मानिए कि पिछले जन्मों में या हमने कभी अच्छे काम किए होंगे उसके फल के रूप में ही हमें सुख दुख मिल रहा है। लेकिन यहां जब हम जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें बाबा कुछ और दूसरा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मानव जाति एक दूसरे के फलों को भी भोगता है, तो सम्मिलित कर्म फल सिद्धांत है। तो कहीं कोई गलती करता है, जैसे वुहान में कुछ लोगों ने गलती की, उनके फलों को हम भोग रहे हैं, है ना, क्योंकि मानव जाति एक है। जो चार सिद्धांत जब राकेश भाई पढ़ रहे थे,
कि ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि धरती एक है ना, या राष्ट्र एक, राज्य अनेक, मानव जाति एक, कर्म अनेक है ना, मानव धर्म एक है ना, मान्यताएं अनेक। तो ये जो जो चारों सिद्धांत हैं इनको हमें पहचानना पड़ेगा, तो ये पता लगता है कि हम कर्म में भी जुड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं है कि दूसरे गलतियां कर रहे हैं उनके ही कर्म हमारे को मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं। लोगों ने जो अच्छाई की उसके भी फल हमको मिल रहे हैं। जैसे किसी ने मोबाइल को डिजाइन कर लिया, हम सब उस फल को, सुखद फल को यूज कर रहे हैं है ना। किसी ने है ना कार बना ली, हम उसको यूज कर रहे हैं। किसी ने घर बनाने के डिजाइन को समझ लिया, उसको हम यूज कर रहे हैं। किसी ने कपड़ा बनाना पहचाना, हम उसको यूज कर रहे हैं। किसी ने परिवार की एक मान्यताओं को पहचाना और उन परिवारों में जी करके हम एक एक लेवल के सुख को महसूस कर ही रहे हैं आज है ना। तो या किसी ने भाषा को पहचाना, खाने को पहचाना, ऐसे देखेंगे तो हम कृतज्ञता अपनी पीढ़ियों के लिए जो जो भी महान काम हुआ उसमें कुछ रह गया है, उसको काम करना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम ये पाएंगे कि सम्मिलित कर्म है और सम्मिलित फल को भी हम भोगते हैं, और व्यक्तिगत कर्म भी है उसके फल को भी हम भोगते हैं, क्योंकि हम मानव जाति ये पूरा का पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते है ना। और इसको तो अभी हम कोरोना के रूप में इसको अपन पहचान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो इस तरह से जो सवाल थे, बट मैं देख रहा था अभी बीच में कुछ कुछ और सब कुछ कुछ और आप लोगों ने लिखा है, बट आई कुंट रियली सी दैट। एक मिनट देखूं कैसे इसको देख सकते हैं। मुझे तो हाँ अभी कुछ कुछ आया। पूर्णता संपूर्णता भी संवेग सही इच्छा के लिए होगा या गलत इच्छा के लिए तीव्र संवेग हो सकता है सारा ज्ञान का। हाँ बिल्कुल भाई, तो हमारी इच्छाएं भ्रमित रूप में तो सही और गलत दोनों के लिए तीव्र संवेग होता है ना। और हम कई बार जैसे ये लगता है कि नहीं यार अब तो एक एक, एक कार खरीदनी ही होनी चाहिए है ना, और अब तो मर्सिडीज ही चाहिए, इससे कम में तो कैसे चलेगा, इस बार तो विदेश यात्रा करना ही है। तो और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मर्सिडीज होना और विदेश यात्रा करना कोई गलत बात है, इसको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे में जो जो भी इच्छाएं बनती हैं उनके बनने के कई कारण होते हैं, परस्परताएं भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जिनके प्रति हमारे में वो तीव्र इच्छा हो जाती है उसको पाने के लिए हम संवेगित होते ही हैं। अब वो सही थी कि गलत थी, कई बार तो फल परिणाम आने के बाद पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी को जागृति भी कह रहे हैं कि जागृत व्यक्ति वो है जिसको क्या करेंगे उसका सोच विचार में ही, चूंकि उसको नियम पता रहता है, इसलिए करने से पहले ही पता रहता है कि ऐसा करने से रिजल्ट क्या आएगा, इसको कह रहे हैं जागृति। और अजागृति का एक लेवल वो है कि जब हम उसको कर देते हैं और फिर फल परिणाम आता है तब मुझे लगता है अरे ऐसा हो गया। जैसे कई बार हम अपने बच्चे का जब एग्जाम चल रहा है, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है, और बच्चा टीवी पर लगा हुआ है या मोबाइल पर बात कर रहा है अपने दोस्त से, और माता या पिता बहुत दिनों तक बहुत देर तक इंतजार करते रहते हैं कि यार है ना ये क्या चक्कर है, तो ये तो सुन ही नहीं रहा है यार, ये बात ही किया जा रहा है, बात ही किया जा रहा है ना। तो एक समय के बाद वो उसको डांटते हैं कि क्या कर रहा है तू, और डांटने से उनको लगता है कि इसको शायद समझ में आ जाएगा, और लेकिन होता है उसका रिजल्ट कुछ और ही है, बच्चा परेशान हो जाता है ना, या वो किताब तो उठा लेता है रूम में जा करके लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, और जब वो दुखी होता है तो अब माता पिता दुखी करने के लिए तो ये काम किए नहीं थे, तो वो भी एक दूसरे से फिर माफी मांगने का दौर चलता है। तो इससे पता लगता है कि हमें फल परिणाम आने के बाद पता लगता है कई बार कि ये जो मैंने इच्छा की थी या जो क्रिया की है इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि इच्छा तो ये थी कि इससे सही रिजल्ट आ जाए, इसका अध्ययन हो पाए, पढ़े, अपने इसके रिजल्ट अच्छे आए, भविष्य बने, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है, तो कई बार हमें बाद में पता चलता है। तो इसी को अपन जागृति भी कह रहे हैं, या जो अमृतपाल जी ने पूछा था कि वो नियम पहले ही पता लग जाए जिससे सुखपूर्वक, समृद्धि पूर्वक, समाज अभयता पूर्वक कैसे जी सकता है। तो जो पूर्णता और संपूर्णता की बात फिर से जो लिखी है, तो पूर्णता मानव में है, जीवन में गठन पूर्णता है, फिर मानव में क्रिया पूर्णता है और आचरण पूर्णता है, और संपूर्णता का मतलब है कि हम सब सहस्तित्व के रूप में जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति में जितने निर्णय होते हैं ये संपूर्णता के आधार पर होते हैं। मानव जाति में निर्णय, मानव जाति जो कर्म करता है व्यक्ति भी, उसके फल और परिणाम संपूर्णता में आते हैं। तो व्यक्ति में ट्रेस करें तो पूर्णता के रूप में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है, और जो रिजल्ट फल परिणाम आते हैं वो संपूर्णताओं के साथ आते हैं। बढ़िया, तो मुझे लगता है ये तो काफी अच्छा रहा। यदि मैं कोई और क्वेश्चन मिस कर रहा हूं तो एक बार मैं देखने की कोशिश करता हूं कैसे इसको देखते हैं। सही इच्छा कार्यक्रम सामता ठीक है। हाँ तो मुझे लगता है मोटे मोटे हो गए, तो अपने पास 15 मिनट है, और चूंकि
मैं चाहता हूँ इसको आगे बढ़ाएं चैप्टर को, और बीच में आप पॉप अप करेंगे तो उसको ले ही लेंगे क्वेश्चंस को। तो इसको मैं आगे पढ़ता हूँ जहाँ पर मैंने छोड़ा था, है ना। इसको आगे ले लेते हैं क्योंकि समय हम सबके पास काफ़ी कीमती है, आप लोग इतना समय निकाल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो बात की थी, तो जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा से समीपित होता है वह उसे पाए बिना तृप्त नहीं होता है। या तो उसका आकलन हो जाए, समीक्षा हो जाए, है ना। तो कई बार उसको पाने के बाद उसको पता लगता है ओहो इससे तो तृप्ति तो हुई नहीं, है ना। तो फिर वो इसीलिए उसी क्रम में ये भी कहा जा रहा है कि हर जीवन एक्चुअली अनुसंधान करता है, क्योंकि मन जिसको हम लोग बहुत सारा समाज में कहते रहे कि मन चंचल है, एक्चुअली मन के चंचलता का मतलब इतना ही है कि मन तो सुख को ढूंढ रहा है और सुख की निरंतरता नहीं, इसलिए वो अलग 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 विषयों में उसको ट्राई करता है, जिसको हम चंचलता का नाम दे रहे हैं। तो हम इसलिए अलग अलग इच्छाएं करते रहते हैं क्योंकि अभी तृप्ति नहीं हुई है, और इच्छाओं की तृप्ति के लिए ही ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि सभी इच्छाओं की तृप्ति की संभावना नहीं है बल्कि सही इच्छाओं की तृप्ति की संभावना है। और संबंध में भी यही है कि संबंध में सभी अपेक्षाओं को पूर्ति करने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूं, संबंध में सभी अपेक्षाओं की पूर्ति की बात नहीं हो रही है, सही अपेक्षाओं की पूर्ति की बात की जा रही है। इसीलिए मानव को सही और गलत को पहचानने की आवश्यकता है, जिससे वो सही और गलत सही अपेक्षाओं को पहचान पाए और उन अपेक्षाओं को पूरा करने की योग्यता से संपन्न होकर के उसको वहन कर पाए, उस क्षमता से संपन्न हो पाए। दूसरी बात यह थी कि पात्रता विकास होता कैसे है। तो पात्रता विकास या योग्यता विकास हमारे परस्पर साथ साथ जो श्रेष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य से और अध्ययन से ही इस ये संभावना बनती है मानव में, क्योंकि जैसा पहले चैप्टर में आया था कि मानव के लिए प्रधान रूप में मानवीय वातावरण ही प्रधान उसमें सहवास या प्रेरणा का कारण बनता है। तो अगला पढ़ते हैं, मैं सोचता हूं आप सबके पास किताब होगी ही।